सब आँखों थन थन तन कुल सोई सब आँखों थन थन तन कुल सोई सब आँखों थन थन तन कुल सोई गुरमुख नानक अरसिया गुरमुख नानक सब को तन 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 गुर सोया को तन 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 गुर सोए गुरमुख नानक गुरमुख नानक सब आँखों थन 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 गुर सोए सब आँखों थन 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 गुर सोए नानक आराध्या
है।
जिस गुरते हर पाया सो गुर हम कीनी सब आखो तल तल गुर सोई सो तन गुरु साबास है सुथन गुरु साबास है हर देह सनेहा सुथन गुरु साबास है हर देह सनेहा हम वेख वेख गुर विकसया गुर सत गुर देहा अमृत बोल दी हर नाम सुहावी गुरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी किन सुन सिखा गुर मल्लिया तिना भुख सब जावी आखो तन 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 गुर सोई तन तन सतगुर जिन नाम जुड़ाया तन तन सतगुर जिन नाम जुड़ाया जन नानक तिस गुर धन धन गुरु गुर सत गुर पूरा धन धन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए नानक मन आस पुजाए सब आखो धन 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 गुर सोई सब आखो धन धन सतगुर पुरख सतगुरु हमारा धन धन सतगुर पुरख सतगुरु हमारा जित मिले हमको शांत आई जित मिले हमको शांत आई तन तन सतगुर तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई जित मिले हम हर भगत पाई धन धन हर भगत सतगुरु हमारा धन धन हर भगत सतगुरु हमारा जिसकी सेवा ते हम हर नाम ले वलाई सब आखो धन 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 गुर सोई तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा जिन वैरी मिते हमको
अब हम दृष्ट दिखाए सब यखो तन 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 गुर सोए तन तन सतगुर मित्र हमारा तन तन सतगुर मित्र हमारा चिन हर नाम सो हमारी प्रीत लगाई आखो तन 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 पर सोई हम मूर्ख मुग्ध हम मूर्ख मुग्ध मिलिया हर कृपा थारी राम हर कृपा थारी राम तन तन गुरु शाबाश है तन तन गुरु शाबाश है जिन्हों में मारी राम जिन्हों में मारी राम सब तन कहो गुर सतगुरु सब तन कहो सब तन कहो गुर सतगुरु चित मिल हर पड़ता गजया चित मिल हर पड़ता गजया सब यखो तन 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 गुर सोए 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 गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख नानक आराध्या सब यखो तन 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 गुर सोए सब यखो तन 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 गुर सोए तन 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 गुर सोई 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 सब यखो तन 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 गुर सोए सब यखो तन 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 गुर सोए सब यखो तन 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 गुर सोए कार्य गुरु शास्त्र जी जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हाजूरी विच जुड़ बैठे जितने भी हाजरीन हाजरियां पढ़ रहे हो आओ बड़े प्यार ते सत्कार नाल
तन ते मन नाल सुर ते बूझ नाल ज्ञान ते प्यार नाल मिल के करो रसनावां नूं पवित्र प्यार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु ने मन नूं टिकाण दा इक साधन बख्शे कि किसी तरीके ये मन टिक जाए, क्योंकि मन चंचल बहुत है। छोटी जी आहट ते खिन जांदा है ते मन दे खिंडन दा जिहड़ा पहला रस्ता है वह केड़ा है, वह अखा नेत्र जिस पासे वेखदियां ने मन उस पासे दौड़ जांदा है। इसलिए सतगुरु जी ने बात समझाई है कि सब तो पहले इन्हां नूं कंट्रोल च लियाना है, इन्हां नूं अपने वश करना है। जे साडे वश ने ते मन भी वश विच आ जाएगा, ते जे साडे वश नहीं असी इहदे अधीन तुरे फिरांगे। फिर गल आ जाती है रसना की। जे कोई सुवादला पदार्थ वेख लवे ते मन करदा है हुण जद तक इहनूं मैं खा ना लवां चैन नहीं आउंदा, ये दूसरी गल। हुण इहनूं अपने वस विच करना, सतगुरु ने उह वी बाणी विच समझाया है। ते बारंबार इसनूं खेचल देनी कुहाना उहदा कारण की है कि जिहड़ा अंदरला मन है ना वह एक थां ते खलो जाए। प्यार नाल गज के आखो सतनाम, क्योंकि जे वाहिगुरु सुनेगा ये टिकन की कोशिश करेगा। वैसे इत्थे भगत जी ने बड़ी सुंदर गल कही है, वह कहिंदे ने इहनूं भी वस विच करन ना लड़ना पैंदा है। खिमा करना, एक छोटा जा बच्चा नहीं साढ़े को सामभ जाता, किन्ना उहदे नाल घुलना पैंदा, किन्ना लड़ना पैंदा, उहदे वास्ते की नहीं करना पैंदा। ते साध संगत जी मन जिहड़ा है उह इहदी छेती वास आ जावे। मन स्यो जूझ, जूझ ना लड़ना। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, इहदे नाल भी बार बार लड़ना पैंदा। यह दौड़दा है, इहनूं फड़ो, यह बाहर जाए इहनूं अंदर लियाओ, क्योंकि जब तक यह अंदर नहीं टिकदा इहनें तुहानूं टिक के नहीं बहिण देणा। उहदा साधन सतगुरु ने बार बार यह दर्शाया है, प्यार नाल गिज के आखू सतनाम। अज सतगुरु का उपदेश है सब आखो। कैसी गल है, हुण इत्थे सवाल खड़ा हो जांदा क्यों क्यों आखीए। आ किसे बच्चे नूं भी कहो ना भी आ काम कर लै, कहिंदा क्यों करां, वाह इह काम ना कर, कहिंदा क्यों ना करां। हुण सवाल इत्थे खड़ा हो जांदा है, सबको कहिंदे साहब आखो, क्यों भाई क्यों आखी, उहदा कारण की है। उहदा कारण पता की है, मैं बहुत दूर नहीं जांदा, अपने नेड़े चात मार के वेख लो, जिहे प्रसाद अरोग कंचन देही। प्यार नाल पढ़ो जी, जिहे प्रसाद अरोग कंचन देही लेव लावो तिस। सब आखो, किवें ना आखी, क्यों ना आखी। जिस परमात्मा ने इतना कुछ सानू दे दिता है, जिहदी कृपा दे नाल, जिहदे प्रसाद कृपा दे नाल देह रोगता है, ख्याल करना जी, जी देह रोगता है ना, बस ओदे कोल सब कुछ ही है। जिहदी देह दुखी है ना वो बहुत ज्यादा दुखी, वो एक दुख नहीं कई अपने दुखड़े सुनाउंदा है। बस यही अरदास करिए, सब आखो
धन 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 गुरसो। कई बार धन धन ये लफ्ज आया, कुछ विचार साझिया करनी है कि उसनु श्री धन असी आखने जिसकी कृपा नाल जिसकी बख्शिश नाल जिसकी रहमत दे नाल यह दात साड़ी झोली पैगी। धन धन गुर सतगुर पुरख है जिन हर भगत दी, जिन्हें भगती का दान साड़ी झोली पाए। अज असी इत्थे जे बैठे हैं ना, यह सतगुर की कृपा है। उन्हें बार बार धन धन आखी, वह धनता दे योग हन। लास्ट विच प्रमाण आखिया सी दास ने, उहदे विच भी सतगुरु जी ने बचन दोहराया। ते कई बार उन्होंने यह भी बचन कहे ने, सो धन गुरु सा वास है हर दे स्नेहा। जिहड़ा मैनू परमात्मा का स्नेहा दिंदा है, हो वेख वेख गुरु विकसे है गुर सतगुर देह। उस गुरु नूं तन तन बार बार क्यों कहने, क्योंकि उसने सानू परमात्मा दे नाल जोड़ना कीता है। तन तन सत पुरख सत गुरु हमारा जित मिले हमको शांत आए। आ मनुख शांति लभदा फिरदा, शांति लैन वास्ते पता नहीं कई कई जगह बदलदा, कितने मन नूं सुकून मन नूं शांति मिल जाए। पर साहिब कहिंदे ने तू गुरु नूं आके मिल, सतसंगत विच बैठ, हरी जस कर, परमात्मा दे नाम नाल जुड़, वेख तैनूं किन्नी शांति आउंदी। क्योंकि गुरु मिले, जदों गुरु मिल जांदा मन नूं शांति आ जांदी। तुहानूं याद होवेगा सतगुरु दा इह बचन बड़ा सुंदर है, चार पद्दां विच है। सतगुरु ने आखे मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। तीसरा केड़ा है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभु बनासी। कमाल की गल है, क्योंकि इहदे अंदर वह सतगुरु जी ने अपने मन की तड़प दसी है जो साडे अंदर पैदा होनी चाहिए। इसलिए बार बार सतगुरु नूं सत्कार वजो धन धन कहना। साहब कहिंदे नहीं बन रहा है धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिले है हम हर भगत पाई। जे गुरु नूं नहीं मिलदे ते भगती दी भी प्राप्ति नहीं जी हुंदी। धन धन हर भगत सतगुरु हमारा जिसकी सेवा ते हम नाम लिव लाई। कमाल की गल है, नाम नाल लिव लगता है ते होर चाहिदा की है, पर गुरु की सेवा ना। एक बचन होर कहते ने, धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा जिन वैरी मित्र। सब तो अहम गल आ जाए, वो धन क्यों है, उन्हों धन क्यों आखना है। धन इसलिए कहना है जिन वैरी मित्र हमको सब सम दृष्ट दिखाए। इस दृष्टि नाल दिखा दिता ऐ तेरा वैरी नहीं है, ऐ तेरा मित्र है। ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनिया। पर ये दात किथे है, कदी किसे लभण दी कोशिश कीती है कि दात कितों मिलती है। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पर। कन्हैये दी तात पराई एवें नहीं मिटी, आपा बेगाना एवें नहीं मिटिया, क्योंकि संग ऐसा मिले मेरे कलगी पातशाह का। किवें ना धन कहिए जी उस सतगुरु जिसने मन अंदरों एक गल ही बार कढ के रख दी। आपां हुण सारे मिलके पढ़ना है, बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बनिया।
सारे नाल मेरी बन आ गई। ना कोई वैरी है ना बिगन है, ख्याल करना यह साडे अंदर बात आई कितों, क्योंकि गुरु ने रमता ही इथों कर दी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नमस्कार करिए ते आखिए धन गुरु ग्रंथ साहब, आखो जी धन गुरु ग्रंथ साहब। जिस गुरु ने सानू ये गल समझाई है, आरंभता वेख लो कितों है, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर भाव निर वैर अकाल अनुरोध, निर भाव ते निर वैर। ते इथे गल मैं ये कह दिया, निरपो जपे सगल भाव मिटे। निरपो जपन दे नाल अंदरला सारा भाव डर जेड़ा खत्म हो जाता है। फिर अवस्था केड़ी बन जाती है, पै काहू को दे तने नह पै मानता। मैं हैरान हुन्ना, मैं सतगुरु जी हर कदम कदम ते हर साह नाल तुसीं साडी पैरवी कर रहे हो। कोई भी गुरु की तुक पढ़ के वेख लो, उहदे अंदर ही ज्ञान भरिया होया, और इतना ज्ञान सतगुरु ने सानू बख्शिया है। यह गल वखरी है, भावें प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब के घर च कीते ने, पर पढ़ के किसे वेख्या नहीं, चंगी तरह अंदर झात मार के वेखी है। कोई कर्मा वाला होगा जरा एक दो पत्रे रोज पढ़ लेंदा होगा, ते कई मैं हटी भी वेखे, मैनू एक गल कहनी पैगी, खिमा कर देना मैं, कई हटी भी वेखे शेद ना ठीक होने के बावजूद फिर भी वह लगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यह हो गया भी होरे इंज करन दे नाल ही मैं दुनिया नू दस सका कि मैं सब तो ज्यादा पाठ पूजा करता है, भी नहीं है। बस गुरु नू तां समझना है, गुरु नू तां जानना है। मैं तो कहना सहज पाठ रख के भावे एक पत्रा पढ़ो बड़ा, बस उस पत्रे का ज्ञान लो। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने बड़े सुंदर विचार दिते, दस वॉल्यूम दे विच, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब दर्पण। दर्पण का भाव होंदा शीशा आईना मिरर। वह दर्पण क्यों वेखना है, क्योंकि वो वेखण दे नाल सानू अंदर की अपनी शक्ल नजर आ जाएगी, पता लग जाएगा कि यह जो पढ़ रहे हैं यह है की है। आखिरी प्रमाण दास ने कहा सी जी, सब धन कहो गुर सत गुरु। इतने लफज दो बार आया, गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कचिया। जिदे मिलिया विकारा ने सामने होने तो पहले उन्हें मेरी इज्जत रख ली, मैनू ढक लिया, मैनू बचा लिया। यह केवल ता केवल गुरु ही कर सकता, जे होर किसी विच ताकत नहीं है। असी तो लोगों के बेपड़द कर फिरते हैं, किस तरीके मैं दुनिया के सामने लिया वा, पर खिमा करना गुरु जेड़ा है वह सब दे पड़दे टकद, सब दे पड़दे टक लेता है। साढ़े जै गरीबों की ख्याल करना, आप सारे अरदास करनी है कि सतगुरु पातशाह सब की इलाज रखो, सब दे पड़दे टको। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने धर्म नू नगण नहीं होने दिता, तो इंसान नू किवें नगण होने दे, सब दे पड़दे टकना है। इसलिए उन्होंने नाम पै गया तेग बहादुर धर्म की जग, क्योंकि गल धर्म की सी। उस धर्म नू बचाण वास्ते आपा कुर्बान कर दिता, इसलिए सब धन कहो गुरु सतगुरु, गुरु सतगुरु जित मिल हर पड़दा कची। इसलिए उन्हें बार बार धन 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 आखड़ है। इस शब्द अंदर सतगुरु ने तीन बार आखे, आप भी शब्द पढ़ते हैं ना, गुरु रामदास पातशाह वास्ते सारे पढ़ो जी, धन धन रामदास गुर जिन सिरे आ तिने सवार। गुरु रामदास पातशाह उन्होंने वास्ते बार बार धन धन आखे, कि हुण असीं उपासक कि गुरु ग्रंथ साहब ने, आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं धन धन कहना, जिहदे अंदर यह आवाज है, जिहदे अंदर यह शब्द है,
शब्द की तुक सी ना आई विच सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई। उदे इको शब्द दे नाल ही सब कुछ हो रहा है, इको शब्द दे नाल उन्ने सारे संसार की उत्पत्ति कर दिती है, सारी दुनिया नु बना दिता है। कीता पसाओ एको कुआओ तिसते होए लख दे, इको ही शब्द है, सब इको शब्द वरतदा, ओदा हुक्म ही संसार विच वरत रहा है। जो करे सो होई, ओ जो चाहे ओ ही हुंदा है, जो ना चाहे ओ नहीं जी हुंदा। आओ अज अपना आप उस गुरु अगे अर्पण करके कोई रसनावा जी ना रहे, मैं चाहना दो तीन मिनट आप सारे मिलके इनू चंगी तरह पढ़िए, क्योंकि यह शब्द है जो अंदर वस जाए। किसी चीज नू याद करने लई बार बार नू पढ़ना पैंदा है, बार बार नू गाना पैंदा है। इसलिए आओ अज सारे गा के नू वेखिए कि वाकई अंदर जांदा है कि नहीं। गाई ते बड़ी जल्दी अंदर जांदी है, यह जांदा है कि नहीं। इहनू अंदर बिठाना है, इहनू अंदर बसाना है, उहदा तरीका आओ सारे मिलके पढ़िए। सभिया को तने 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 गुरु सोए, सभिया को गुरमुख नानक स्वाब। सतसंग जी आखण वाला भी धन है, सुन वाला भी धन है। कैसी कमाल की गल सतगुरु ने कही है, सुनते पुनित कहते पवित, सतगुरु रहा भरपूरे। सुन वाले भी ते कहण वाले, बशर्त की कहण वाले ते की सुन वाले। कहण मनो कहण अंदरों परमात्मा कि नहीं सुनता, सब की सुनता है। सो अज का प्रकरण जो तुहाडी चोली पाया सतगुरु ने बख्शिश की थी। तीन वारी साध संगत जी शब्द पढ़िया गया अच, क्योंकि दास ने फ्राइडे भी रात पढ़िया, अस शनिवार च कल भी पढ़िया,
भाई साहब कह लगे भी संडे नूं भी ये पढ़ो। मैं क्या भाई की कारण है? कह लगे होंदा है कई बार कई ऐसी धुन होंदी है ऐसा शब्द होंदा है वो अपने आप पढ़ने नूं मन करदा है। सच्चाई है, ख्याल करियो ये जरूरी नहीं कि पढ़ने वाले केवल पढ़ते ही नहीं वह सुनते भी तो जो मन सुन लग पवे ना फिर सुनाने का आनंद होर ज्यादा होंगे। सो अरदास करो सानू पढ़न वालिया ने भी ते सुन वालिया ने भी गुरु की दात बख्शे के गुरु नाल जुड़ के असी मालिक के गुण गा सकीए। हुई भुला चुका जी खेमा जी आओ अगला प्रोग्राम श्रवण करो असीस दिन दे। सो आओ सत सिंह जी आनंद साहब का पाठ सारे मिलके करिए। सो सतगुरु की कृपा द्वारा तुसी गुरु चरणों में जुड़े हो इसे तरह भाई जुड़ के हाजरियां लवाते रहो।